मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे अजीजों, पहली बात तो ये अर्ज करनी है कि जब बैतुल मुकद्दस फतह हो रहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके गुलाम हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु बारी बारी सवारी पे सवार होते थे और बैतुल मुकद्दस की तरफ रवा दवा थे। एक पैदल चलता, दूसरा ऊंट पे सवार होता, फिर ऊंट वाला पैदल चलता और पैदल वाला ऊंट पे सवार होता। जब बैतुल मुकद्दस करीब पहुंच गया, उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी पैदल चलने की थी और उनके गुलाम हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी ऊंट पर बैठने की। ऐसी हालत में बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो ऊंट पे बैठने की वजह से हजरत असलम गुलाम ही रहे, अमीर नहीं बन गए, और पैदल चलने की वजह से हजरत उमर अमीर मोमिनीन ही रहे, उनकी इज्जत में शान में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए जो बयान कर रहा है वो वही रहेगा जो वो है। बयान करने वाले की कोई इज्जत शान मिंबर पर बैठने से बढ़ नहीं जाती, और जो सुनने वाले हैं उनकी इज्जत मर्तबा शान बात सुनने की वजह से घट नहीं जाती, क्योंकि हजरत उमर पैदल चलने के बावजूद हजरत उमर ही रहे, अमीर अल मोमिनीन ही रहे, और हजरत असलम वो ऊंट पर बैठने के बावजूद गुलाम ही रहे। इंसान की कीमत अल्लाह ताला के यहां जात के एतबार से नहीं है, खानदान के एतबार से नहीं है, ओहदे और मनसब के एतबार से नहीं है, जाती वजाहत के एतबार से नहीं है, दुनियावी ओहदों की वजह से नहीं है, जमीनों जायदादों की वजह से इंसान की इज्जत अल्लाह के यहां नहीं है। इंसान की इज्जत अल्लाह जल्ला शानहू के यहां सिफात की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक इंसान दूसरे इंसान के नजदीक चीजों की वजह से, ओहदे की वजह से, माल की वजह से, जमीनों की वजह से
एक इंसान दूसरे इंसान के नजदीक तो इज्जत वाला हो सकता है, लेकिन इंसान अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला उस वक्त होगा जब इंसान सिफात वाला हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला है। तकवा एक सिफत है, जो इस सिफत में जितना ज्यादा है वो उतना अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है, और जो इस सिफत में जितना कमजोर होगा उतना वह अल्लाह जल्ला शानहू के नजदीक इज्जत में कमजोर हो। अल्लाह के नजदीक इंसान की कीमत चीजों की वजह से नहीं है, बल्कि ये चीजें इंसान की वजह से कीमती होती हैं। अगर सारी दुनिया के सारे इंसान सोना खरीदना छोड़ दें तो सोना बेकीमत हो जाए। सोने की कीमत इंसान की वजह से, अगर सारी दुनिया के सारे इंसान गाड़ियां खरीदना छोड़ दें तो सारी गाड़ियां बेकीमत हो जाए। इन गाड़ियों की कीमत इंसान की वजह से है, इंसान की कीमत इन गाड़ियों की वजह से नहीं है। इंसान की कीमत सोने की वजह से नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक वो इंसान कीमती बनेगा जो सिफात वाला है। अबू लहब खूबसूरत था, उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख था, शोले वाला। अबू लहब कौम का चौधरी था, बड़ा था, सरमायादार था, जमीनों वाला था, खूबसूरत था, सब कुछ था, लेकिन सिफात वाला नहीं था। तब तब यदा अबी लहब मतब, अबू लहब हलाक हो गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम है, अपने जिस्म के मालिक नहीं है, गुलाम के बेटे हैं, कोई स्टेटस नहीं है दुनियावी एतबार से, तो अपने जिस्म का मालिक नहीं, उनकी कोई जमीनें नहीं है, कोई जायदादें नहीं है, कोई उनका बैंक बैलेंस नहीं है, रंग के काले हैं, मोटे मोटे उनके होंठ हैं, दुनियावी एतबार से कोई भी चीज उनके पास नहीं है, लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना बिलाल बने क्योंकि वो सिफात वाले। लुकमान हकीम की हिकमत की बातें कुरान पाक में भी जिक्र है, हजारों की तादाद में उनके हिकमत की बातें हैं, वो भी रंग के काले थे, हबशी थे, उनके भी मोटे मोटे होंठ थे, बड़े बड़े उनके पांव थे और पांव उनके फटे हुए होते थे, लेकिन हिकमत से भरपूर उनकी बातें होती थी। इतनी अल्लाह ने उनकी बातों को कुरान पाक का हिस्सा बनाया और उनकी सूरत सूरह लुकमान कुरान पाक में मौजूद, हालांकि वो रंग के काले। एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर आप पानी डाल दें, वो बर्तन पानी की कीमत में बिकेगा। उसी बर्तन के अंदर आप दूध डाल दें, वही बर्तन दूध की कीमत में बिकेगा। उसी बर्तन में चांदी डाल दें, वो चांदी की कीमत में बिकेगा। सोना डाल दें,
सोने की कीमत में बेचेंगे, हीरे जवाहरात मोती लाल डाल दे वो इनकी कीमत पे बिकेगा। बर्तन एक ही है, अंदर के बदलने से कीमत बदल गई। सारी दुनिया के सारे इंसान एक जैसे हैं, इनकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक जुबान है, दो हाथ हैं, पांव हैं, अंदर के बदलने से कीमत बदल गई। अगर ये इंसान सिफात वाला है तो ये सजूदे मलाइका है और फरिश्तों ने इसको सजदा किया। और अगर ये सिफात वाला नहीं है तो फिर ये बलहुम अजल है, तो जानवरों से भी बदतर है, गंदी नाली के गंदे कीड़े से भी बदतर। इंसान जो अल्लाह के यहां कीमती बनेगा वो चीजों की वजह से नहीं बनेगा, वो सिफात की वजह से। और ये सिफात बाज़ औक़ात मालदार में होती है गरीब में नहीं होती, और बाज़ औक़ात गरीब में होती है मालदार में नहीं होती, और बाज़ औक़ात ये सिफात गुलाम में होती है आका में नहीं होती, बाज़ औक़ात आका में होती है गुलाम में नहीं होती। इंसान की कीमत सिफात की होती है। सिफात में सबसे पहली सिफत ईमान है। ईमान एक ऐसी बुनियादी सिफत है कि सारे आमाल का दारोमदार ईमान पर है। ईमान के मजबूत होने का असर सारे आमाल पे पड़ता है और ईमान के कमजोर होने का असर सारे आमाल पे पड़ता है। ईमान मजबूत हो जाता है तो आदमी की नमाज जानदार शानदार हो जाती है। इसका जिक्र जानदार शानदार हो जाता है, इसके कुरान पाक की तिलावत जानदार हो जाती है, और जब ईमान कमजोर हो जाता है इसके सारे आमाल कमजोर हो जाते। सबसे बुनियादी सिफत ईमान को मजबूत करना है। इसलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारी तहरीक का नाम तबलीगी जमात हमने नहीं रखा, अगर हम इस तहरीक का कोई नाम रखते तो तहरीक ईमान रखते। इस दावत की मेहनत का सबसे बुनियादी मकसद ईमान को हरकत देना है, ईमान को मजबूत करना है, ईमान को जानदार और शानदार करना है, क्योंकि सारे आमाल का दारो मदार ईमान की मजबूती पर है, और ईमान की कमजोरी की वजह से सारे आमाल कमजोर हो जाते हैं। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, अगली बात, ईमान कहते किसको है, ईमान की तारीफ क्या है। तो लुगत में ईमान की तारीफ किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर पर मान लेना, ये ईमान है। शरीयत की इस्तेलाह में ईमान की तारीफ, कब्र रसूल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर यकीनी तौर पर मान लेना, ये ईमान है। यानी जो कुछ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ये सौ से सच है, और जो कुछ अल्लाह ने फरमाया ये सौ से सच है, ये ईमान। इसके मुकाबले में मेरी अकल जो कहती है, मेरा तजर्बा जो कहता है, मेरा मुशाहिदा जो कहता है,
मेरी आंख जो देखती है और वो जो मुझे जो नजर आता है ये गलत है। अल्लाह सच्चे हैं, अल्लाह की बात सच्ची है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है। जो कुछ हजूर ने फरमाया वो होके रहेगा और जो कुछ हजूर ने फरमाया वो सौ से सच है। मेरी अकल तस्लीम करे या ना करे हजूर की बात सच है और जो कुछ अल्लाह ने फरमाया सौ से सच है। मुझे समझ में आए या ना आए ये ईमान है, ये इस शरीयत की इस्तेलाह में ईमान की तारीफ है। तो मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यम हाकुल्ला और रिबा वयूर में सदका, अल्लाह ताला सदके से माल को बढ़ाते हैं, सूद से माल को घटाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान। हम कहेंगे अल्लाह सच्चे, अल्लाह की बात सच्ची, सदके से माल बढ़ता है, सूद से माल घटता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया। हमें दुनिया वाले लोग कहेंगे कि आप 1,00,000 रुपए बैंक में जमा करा दें, आपके 1,000 रुपए बढ़ जाएंगे। हमें नजर आ रहा है 1,000 रुपए बढ़ते हुए, हमारा मुशाहिदा है 1,000 रुपए बढ़ गए, लेकिन हम इस सब की नफी करेंगे और अल्लाह की बात की तस्दीक करेंगे कि सबके सूद से माल घटता है। कि अगर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी नजर का धोखा है, क्योंकि अल्लाह सच्चे है, अल्लाह की बात सच्ची। हजूर ने फरमाया वल्लाही मा नकसा मालुम मिन सदका, अल्लाह की कसम सदके से माल घटता नहीं है बढ़ता है। हम कहेंगे सदके से माल बढ़ता है, अगर कि हमें घटता हुआ नजर आए। ये हजरत के पास 100 रुपए हैं और इन्होंने 10 रुपए सदका किए, अब सब कहेंगे कि इनके पास 90 रह गए, 100 थे 10 कम हो गए। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये कम नहीं हुए, बढ़ गए, अगर हमें नजर आ रहे हैं कि कम हो गए। ये ईमान है। गज़वे खंदक में खंदक खोदी जा रही है, 10-10 सहाबा की जमातें बनी हुई है, उनको मुख्तलिफ जगह पे तकसीम कर दिया गया है इलाके कि आप ये जगह खोदो, आप ये जगह खोदो, और सहाबा खंदक खोद रहे हैं और शदीद सर्दी है और भूख है, फाका है, और इतनी ज्यादा भूख कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। इस दौरान एक चट्टान आ गई, एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल वो चट्टान आ गई है, नहीं टूट रही। हजूर ने इरशाद फरमाया मैं खुद उसे तोड़ता हूं। आप तशरीफ ले गए, उदाल मारी, शोला निकला। हजूर ने फरमाया कैसे फतह हो गया। दूसरी उदाल मारी, दूसरा शोला निकला। हजूर ने फरमाया किस तरह फतह हो गया। तीसरी कुदाल मारी, तीसरा शोला निकला। हजूर ने फरमाया हबशा फतह हो गया, मकूकिस फतह हो गया। रूम के बादशाह को कैसर कहते, जो भी बादशाह आता था वो कैसर। उन फारिस के बादशाह को किसरा कहते थे, जो भी बादशाह आता था वो किसरा होता। और हबशा के बादशाह को मकूकिस कहते थे, जो भी हबशा में बादशाह आता था वो मकूकिस कहते थे। उस जमाने की ये बड़ी बड़ी हुकूमत है और उस जमाने की सुपर पावर रूम और फारिस। मुनाफिकीन कहने लगे हालत तुम्हारी ये है, अपनी हिफाजत के लिए खंदक खोद रहे हो,
खाने को मिलता तुम्हें कुछ नहीं, अपने पेट पे पत्थर बांध रहे हो और खुशखबरी देते रूम और फारिश बताओगे? जैसे आज के जमाने में कोई यूं कहे भाई हालत तुम्हारी ये है कि तुम फाके से हो, खाने को तुमको मिलता कुछ नहीं, पहनने के कपड़े तुम्हारे पास सही ढंग के नहीं, और कहते तुम ये हो कि अमेरिका रूस फतह हो गए, तो लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो उस जमाने के मुनाफिकीन ने कहा कि खाने को तुम्हें मिलता कुछ नहीं, पेट के पत्थर बांधे हुए, अपनी हिफाजत के लिए खंदक खोद रहे हो और खुशखबरी दे रहे हो कि रूम और फारिस और हमशा की हुकूमतें फतह हो गए। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है और ये सौ हक है, सच है, हमें हजूर अलैहिस्सलाम की बात पर सौ यकीन है कि जो कुछ हजूर ने फरमाया वो होके रहेगा और अल्लाह ने करके दिखाया। एक सहाबी आए, हजूर मेरा पेट खराब हो गया, हजूर ने फरमाया शहद इस्तेमाल करो, शहद में शिफा है। उन्होंने शहद इस्तेमाल की, पेट और खराब हो गया। फिर आया अल्लाह के रसूल, पेट और खराब हो गया, हजूर ने फरमाया शहद इस्तेमाल करो, शहद में शिफा है। फिर पेट और खराब हो गया। तीसरी मरतबा आए, मेरा पेट तो और खराब हो गया, हजूर ने फरमाया तुम्हारा पेट झूठ कहता है, अल्लाह सच कहते हैं, शायद में शिफा है, जो शायद इस्तेमाल करो ठीक हो जाओगे। उन्होंने शायद इस्तेमाल की, पेट ठीक। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का मुकर्मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का आपको ढूंढ रहे हैं और उन्होंने इनाम मुकर्रर कर दिया कि जो हजूर को पकड़ेगा हम उसको ये इनाम देंगे। इतने में रास्ते में एक गांव आता है, उस गांव का चौधरी सुराका बिन मालिक, उसकी नजर हजूर अलैहिस्सलाम पर पड़ गई और उसने भी सुन रखा था कि अगर मैंने इनको पकड़ लिया तो मुझे तो बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। वो अपनी सवारी को लेकर हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे आया कि मैं आपको पकड़ूं, लेकिन जैसे हजूर के करीब पहुंचने लगा उसकी सवारी के पांव जमीन में फंस गए। फिर वो मिन्नत जारी करने लगा आप अलैहिस्सलाम की कि आप माफ करते हैं, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, उसकी सवारी के पांव जमीन से बाहर निकल आए। फिर दोबारा उसके सवारी के उसकी नियत खराब हो गई, इनाम के लालच में आ गया और फिर उसके दिल में आया कि मैं हजूर को पकड़ूं और इनको मैं मुशरिकीन मक्का के हवाले करूं ताकि मुझे इनाम मिले। तो जब इस नियत से आगे बढ़ा तो दूसरी मर्तबा उसके जानवर के पांव जमीन में धंस गए और फिर वो मिन्नत जारी करने लगा। आपने सलाम ने फरमाया सुराचा, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं और तू ये है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। बाद में किसरा फतह हुआ और किसरा के कंगन भी माले गनीमत में आ गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लिस्ट आई माले गनीमत के सामान की। अब उस लिस्ट में वो लिखने वाले कंगन लिखना भूल गए। हजरत उमर ने फरमाया ये नामुकम्मल लिस्ट है, इसमें कोई चीज लिखने से रह गई है। तो कहने लगे हमने तो सारी चीजें लिखी है,
आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक चीज लिखने से रह गई, जब वो गौर किया तो पता लगा कि वो कंगन लिखने भूल गए। हजरत उमर ने फरमाया था कि मैंने तो ये सुना था हजूर फरमाते थे कि किसरा के कंगन तो सुराका बिन मालिक के हाथों में देखे, ये हो नहीं सकता किसरा का गनीमत आया हो और उसमें वो कंगन ना हो। हजूर ने फरमाया, उनको सौगे यकीन हो गया कि जब किसरा फतह होगा उसके कंगन आएंगे गनीमत में और वो सुराका बिन मालिक को मिलेंगे। ये सहाबा का यकीन कि जो कुछ हजूर फरमा रही है सौगे सच है, वो भी बहुत वाकियात है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सौ से सच है और जो कुछ अल्लाह फरमा रहे हैं सौ से सच है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ईमान है कि हमारे दिल में ये बात आए, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात सौ से सच है। हजूर ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं अपने भाइयों से मिलूं। साहबा ने कहा कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हजूर ने फरमाया, तुम तो मेरे साहबा हो, मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं मेरे ऊपर ईमान लाए। हजूर ने फरमाया, खुशखबरी उस आदमी के लिए जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया एक मर्तबा, और खुशखबरी उस आदमी के लिए जिसने मुझे नहीं देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया सात मर्तबा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान पहचाना जाएगा ईमान की अलामतों से। मेरे अंदर ईमान की कितनी अलामतें मौजूद हैं, ईमान का पता लगेगा ईमान की अलामतों से। मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, हमारे अंदर ईमान की कितनी अलामतें मौजूद हैं जो अल्लाह ने बताई है, अल्लाह के रसूल ने बताई। एक सहाबी है अल्कमा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं अपने कबीले के पांच या छह आदमियों के साथ हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुसलमान हुआ। आप अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की, हजूर ने पूछा तुम कौन लोग हो? अल्कमा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। हजूर ने फरमाया, हर दावे की एक दलील होती है, तुम ईमान वाले हो, इस दावे की तुम्हारे पास क्या दलील है? उन्होंने कहा, हमारे अंदर 15 खसलतें हैं, हमारे अंदर 15 बातें हैं, ये हमारे दावे की दलील है। हजूर पूछ रहे तुम कौन लोग हो? वो कह रहे हैं मोमिन है। हजूर पूछ रहे इस दावे की दलील क्या है? वो कोई लंबी चौड़ी तकरीर में सुनाते, वो ये कह रहे हैं हमारे अंदर 15 बातें हैं, 15 खसलतें हैं। हजूर ने पूछा वो कौन सी है? उन्हें कहा कि 5 वो हैं कि जिनका आपने हमें हुक्म दिया है और 5 वो हैं जो आपके कासदों ने हमें बताई है और 5 वो है जो हमारे अंदर जमाने जाहिलियत से है। अगर आप हमें कहेंगे तो हम उन पर बाकी रहेंगे और अगर आप कहेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। हजूर ने पूछा वो 5 कसरतें कौन सी है जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया? उन्होंने कहा कि अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये 5 है। हजूर ने पूछा वो 5 बातें कौन सी हैं जिनका मेरे कासिदों ने तुम्हें हुक्म दिया? उन्हें कहा जी कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये 5 बातें हैं जिनका आपके कासिदों ने हमें हुक्म दिया। हजूर ने पूछा वो 5 बातें कौन सी हैं जो तुम्हारे अंदर जमाना जाहिलियत से थी? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब हमारे पर खुशहाली आती है,
जब हमारे ऊपर सवंगरी आती है, जब हमारे हालात अच्छे होते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक बात यह है, और दूसरी, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, हम इस पर सब्र करते हैं। तीसरी, हम अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं। चौथी, हम दुश्मन के साथ जब हमारा मुकाबला होता है, हम जमे रहते हैं, मुकाबले से पीछे नहीं जाते। पांचवी, जब हमारे दुश्मन को कोई तकलीफ पहुंचती है, जब हमारे दुश्मन किसी मुसीबत में फंस जाता है, जब हमारे दुश्मन को कोई परेशानी लाहक होती है, हम इसको देख के खुश नहीं होते। हजूर ने फरमाया, तुम्हारे अंदर तो बहुत उम्दा उम्दा खसलतें हैं, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, इतनी उम्दा खसलतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, कादा अन यकूनु नबियन, करीब था कि तुम तो नबी ही हो जाते, करीब था कि तुम तो नबी ही हो जाते, कि ये सिफात तो नबियों में होती है। मैं तुम्हें पांच बातों की वसीयत करता हूं, अगर वो पांच बातें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं, तो तुम्हारी ईमान की खसलतें पूरी हो जाएंगी। उनमें पहली, उतना मकान बनाओ जितने में रहना है, जरूरत से ज्यादा मकान मत बनाओ, उतना खाना तैयार करो जितना खाओगे, जरूरत से ज्यादा खाना मत तैयार करो। इस दुनिया में उतना लगो जितना इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में उतना लगो जितना इस दुनिया में रहना है, और जिस आखिरत की तरफ तुमने जाना है, उस आखिरत की तैयारी करो, और उस जन्नत की तलब करो जिस जन्नत में तुमने जाके ठिकाना पाना है। अगर ये पांच बातें तुम्हारे अंदर आ गई, तो तुम्हारी ईमान की खसलतें पूरी हो जाएंगी। तो सहाबा ईमान को ईमान की अलामतों से पहचानते हैं। हजूर ने फरमाया, इजा सबरत का हसनतु का वसाअत का सैयात का फांतमो में, जब तुझे तेरी नेकी खुश करे और तुझसे कोई गुनाह हो जाए, तो तू उस पर रंजीदा हो, तो तू समझ ले कि तू मोमिन। एक सहाबी नाबीना, वो अपने घर में रहते थे, उन्होंने अपने घर में एक रस्सी बांधी हुई थी दरवाजे तक। जब उनके घर के दरवाजे पर कोई साइल आता, तो वो नाबीना साहबी उस साइल को कुछ देने के लिए अपने रस्सी पकड़ते और वो रस्सी के साथ चलते चलते दरवाजे तक पहुंच जाते और उस साइल के सवाल को पूरा करते, फिर अपने घर में बैठते। फिर कोई साइल आता दरवाजे पर, तो वो रस्सी को पकड़कर चलते और रस्सी के साथ चलते चलते दरवाजे पर पहुंच जाते और उस साइल को कुछ दे देते। किसी ने उनसे कहा, आप हमें दे दिया करें पैसे, और जिस साइल को आपने जिस साइल की मदद करनी है उसका नाम बता दिया करें, हम उस साइल को जाके दे दिया करेंगे। आप इतना तकल्लुफ करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, रस्सी आपने बांधी हुई है और रस्सी पकड़ कर आप दरवाजे तक आते हैं और अपने हाथों से साइल को देते हैं सदका,
हमें दे दिया करें, हम साहिल को दे दिया करेंगे। उस नाबीना साहबी ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने हाथों से सदका देता है अल्लाह बुरी मौत से हिफाजत फरमाता है, इसलिए मैं अपने हाथों से सदका देता हूं। यानी हजूर के इरशाद का यकीन उनके दिल में इतना है कि बावजूद इसके कि वो नाबीना है, लेकिन हजूर के फरमान का दिल में यकीन इतना है कि वो रस्सी पकड़ के जा रहे हैं सदका देने के। एक सहाबी ने सुना कि कब्र के अंदर तपिश होगी और कब्र के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। उन्होंने पूछा कि कब्र में तो बहुत तपिश है और कब्र में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इसका इलाज क्या है? दूसरे सहाबी ने कहा, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र की तपिश और कब्र की गर्मी को सदका दूर करता है। सदका कब्र की ठंडक है, जैसे हमने पंखा चलाया हुआ है गर्मी दूर करने के लिए, हम अपने कमरों में एयर कूलर लगाते हैं गर्मी दूर करने के लिए, हम अपने कमरों में एयर कंडीशन लगाते हैं गर्मी दूर करने के लिए, तो सदका कब्र का एयर कंडीशन है, सदका कब्र का एयर कूलर है, सदका कब्र का पंखा है, सदका कब्र की तपिश को दूर करता है और सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सबसे सच। हजूर ने फरमाया, जो आदमी रोजाना 12 रकात सुन्नतें पढ़ता है, 2 रकात फजर की, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद और 2 रकात इशा के बाद, जो आदमी 12 रकात सुन्नत रोजाना पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर देते हैं। अब साल में 365 दिन है, अगर हम पूरा साल ये 12 रकात सुन्नतें पढ़ेंगे तो जन्नत में हमारे 365 महल तैयार हो गए। और जन्नत के जो महल हैं वो सोने और चांदी, खुश्क और अंबर, 12 रकात सुन्नत जो आदमी रोजाना पढ़ेगा। हजूर ने फरमाया, जोहर से पहले की 4 रकात सुन्नतें ये तहज्जुद के नमाज के बराबर सवाब है। तहज्जुद की नमाज आधी रात की नमाज है और जोहर से पहले की 4 सुन्नतें ये आधे दिन की नमाज है। जो जोहर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ेगा वो सवाब के एतबार से ऐसा है जैसे उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। ये आमाल बताए हैं अल्लाह के रसूल। जो आदमी 40 दिन तक बिरोला के साथ नमाज पढ़ेगा, हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको 2 परवाने देंगे, एक जहन्नम से बचाव का और एक निफाक से बरी, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा और मुनाफिक होके नहीं मरेगा। 40 दिन तक बिरोला के साथ इखलास के साथ नमाज पढ़ना। मैंने पहले अर्ज किया काफी देर बाद की ईमान, ईमान कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जो कहा सबसे सच है। अब मैं आपको अल्लाह के रसूल की बातें बता रहा हूँ कि ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे सच है कि जहन्नम में नहीं जाएगा जो 40 दिन तक बिरोला के साथ नमाज पढ़ेगा। जो 40 दिन तक बिरोला के साथ नमाज पढ़ेगा इखलास के साथ, वो मुनाफिक होके नहीं मरेगा। इसलिए हजूर फरमा रहे, हजूर फरमा रहे हैं, जो 5 वक्त नमाज एहतमाम से पढ़ेगा मैं अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा। अब मैं अगर 5 वक्त की नमाज एहतमाम से पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया। अगर आप 5 वक्त की नमाज एहतमाम से पढ़ेंगे
तो आप अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गए, तो सारे नियत करते हैं ना इंशाल्लाह, आप अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गए। ये हजूर ने फरमाया, और जो कुछ हजूर ने फरमाया 100% सच है, और जो कुछ हजूर ने फरमाया 100% हक है, वो गलत हो नहीं सकता। अखबार की खबर में शक हो सकता है, हजूर की खबर में शक नहीं हो सकता। इसलिए कि मोमिन और मुनाफिक और काफिर, इसकी पहचान क्या है? मोमिन उसे कहते हैं जो जबान से इकरार करे, दिल में तस्दीक हो, ये मोमिन है। और जो जबान से इकरार करे, दिल में तकजीब हो, ये मुनाफिक है। और जो जबान से इनकार करे, दिल में तकजीब हो, ये काफिर है। हमने सिर्फ इकरार बिल लिसान नहीं, तस्दीक बिल कल्ब भी जरूरी है। दिल के अंदर ये बात उतर जाए कि जो हुजूर फरमा रहे हैं ये 100% सच है। अब एक लंबा किस्सा है, मैं मुख्तसर आपको बताता हूं। हातिम बिन अबी बलता ने एक औरत को खत लिख के दिया। वो औरत मदीना से मक्का जा रही थी, वो मक्का से मदीना आई थी मांगने के लिए, सवाल के लिए। वो एक गाना गाने वाली औरत थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि जो कुछ है इनकी मदद करो, तो लोगों ने उसकी मदद की, फिर वो वापस जा रही थी। हातिम बिन अबी बलता एक सहाबी है, उन्होंने एक खत उस औरत को लिख के दे दिया मक्का वालों के नाम। अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को और उनके साथ एक और सहाबी को भेजा कि जाओ, वो औरत फलां जगह पे है और उसके पास एक खत है, उसके पास से वो खत ले आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गए जिस जगह का हुज़ूर ने फरमाया था, वो औरत उसी जगह पर मिल गई। हुज़ूर हज़रत अली ने कहा तुम्हारे पास एक खत है, वो दे दो। वो कहने लगी मेरे पास खत नहीं है। हज़रत अली ने कहा तुम्हारे पास खत है, दे दो। उसने कहा मेरी तलाशी ले लो। उसकी तलाशी ली, खत नजर नहीं आया। हज़रत अली ने कहा ये हो नहीं सकता, हुज़ूर ने फरमाया इस औरत के पास खत है, ये हो नहीं सकता तेरे पास खत ना हो। या तो तू हमें खत दे वरना हम तेरे कपड़े उतार देंगे। वो औरत डर गई और उसके बालों की चुटिया में या उसकी जात बंद में खत था। वो खत लेके हजरत अली आ गए कि हुज़ूर की बात का इतना यकीन हजरत अली को कि हुज़ूर ने फरमाया औरत के पास खत है, उन्हें कहीं ये हो नहीं सकता इसके पास खत ना हो, बेशक तलाशी लेने से भी खत नहीं मिल रहा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का यकीन, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमने जिंदगी गुजारी ईमान के बाद। और सहाबा की जिंदगी हम अपने सामने देखें, सहाबा हुज़ूर का फरमान सुनते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कितना अमल करते थे। हुज़ूर ने फरमाया सखी आदमी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, दोज़ख से दूर, और फकीर आदमी अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, और दोज़ख से करीब। हुज़ूर ने एक जमात भेजी दरिया समंदर के किनारे। उस जमात के अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह, वो जमात वहां गई। रास्ते में वो ऊँट सिबा करते, खाना खाते। फिर अमीर लश्कर ने ख्याल किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सवारी हमारी खत्म हो जाए, वापसी का सफर मुश्किल हो जाए। तो ऊँट सिबा करने से मना कर दिया और खजूरें खाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया, एक एक खजूर मिली। फिर एक वक्त ऐसा आया कि खजूर की कुटिया मिली, सफर में गए। फिर आगे एक सहाबी है हर कैश बिन साद बिन उबादा,
उन्होंने जब ये मंदिर देखा कि फाका है, खाने को नहीं है, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उधार 3 ऊंट खरीदे और जिससे वो ऊंट खरीदे उसको ये कहा कि मैं वापस जाकर तुम्हें पैसे दे दूंगा, अभी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। 3 ऊंट खरीदे, उनको जिक्र किया, उनका गोश्त बनाया, सारी जमात को लश्कर को खिला दिया। फिर दूसरे दिन 3 ऊंट और खरीदे और सारे लश्कर को खिला दिया। फिर तीसरे दिन 3 ऊंट और खरीदे और सबको खिला दिए, उधारे खरीदे। फिर अल्लाह ताला ने जब वो समंदर के किनारे पहुंचे, अल्लाह ताला ने समंदर से एक मछली अंबर मछली भेजी, इतनी बड़ी थी कि सहाबा उस मछली में से कई दिन तक खाते रहे। और रिवायतों में आता है कि 15 दिन या 17 दिन वो मछली खाते रहे या 18 दिन। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि वो मछली कितनी बड़ी होगी, ये जो जमात एक दिन में 3 ऊंट खा लेती है तो वो मछली 15 दिन खाई। तो 15 दिन के हिसाब से अगर ऊंटों की तादाद बनाई जाए तो ये 45 ऊंट बनते हैं। तो वो मछली इतनी बड़ी थी कि 45 ऊंटों जितना, ऐसे समझो उसका गोश्त, ये 15 दिन जो खाया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरे लश्कर ने उस मछली की जो हड्डी है पसली की उसको खड़ा किया और एक लंबे कद वाले सहाबी को कहा कि तुम ऊंट पर सवार होकर इस हड्डी के नीचे से गुजरो। वो सहाबी जिनका कद लंबा ऊंट पर सवार होकर वो उस मछली की पसली की हड्डी के नीचे से गुजर गए, उसकी पसली इतनी बड़ी थी, और वापस आए और हजूर अलैहिस्सलाम को भी मछली खिलाई। तो अमीर लश्कर ने कैस बिन साद बिन उबादा से कहा, तुम ये जो 3 ऊंट लेके जिबा करके लोगों को खिला रहे हो, तुम्हारे पास इतना माल भी है कि तुम जाके इनके पैसे वापस करो, उधारे लेके तुम उधार पैसे ऊंट खरीद के तुम जिबा कर रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ मेरे इलाके में जाऊंगा तो मेरे वालिद साहब मालदार हैं, उनसे पैसे लेके मैं ये उधार उतार दूं। तो अमीर ने कहा, वो तो तुम्हारे वालिद साथ में उपाता के पैसे हैं, तुम्हारे तो नहीं है। उन्होंने कहा, वो मैं अपने वालिद से लूंगा, वो मुझे दे दे। जब वापस आए अपने वालिद को किस्सा सुनाया तो उनके वालिद ने 4 बाघ अपने बेटे को दे दिए कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा कोई वाकया पेश आए तो कोई तुम्हें अगर लूट रहे कि तुम्हारे पास तो माल है नहीं और तुम क्यों उधार लेके ऊंट जिबा करके खिलाते हो, तो ये 4 बाघ मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि ऐसा तुम ये कह सको कि मेरे पास माल है। तो हजरत कैस बिन साद बिन उबादा ने वो पैसे उतार दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर भी नहीं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये घराना सखियों का घराना है, ये घराना सखियों का घराना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत उतारी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। कुरान की आयत, जब ये आयत उतरी लोगों के 3 गिरोह बन गए, 3 जमातें बन गई। एक जमात कहने लगी कि अल्लाह ताला गरीब हो गए हैं, अल्लाह को कर्जे की जरूरत पड़ गई है और हमसे कर्जा मांगते हैं, और दूसरी जमात ने कहा वो खामोश रहे, और तीसरी जमात जो मुखलिस मोमिनीन की थी उसमें हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास दो बाग हैं, ये बाग मैं अल्लाह को कर्ज देता हूं। हजूर ने फरमाया, एक बाग दे दो, एक अपने आयाल के लिए रख दो। अब वो एक बाग, उसमें 600 खजूरें, 600 खजूरों के तरह अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हजूर को दे दी। अल्लाह की एक कुरान की आयत सुनकर कि इतना यकीन उनके दिल में आ गया कि जो अल्लाह के अल्लाह फरमा रहे हैं ये सब से सच है और ये होके रहेगा, उन्होंने ये दे दिया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने कामयाबी ईमान और आमाल में रखी है, अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देंगे, आखिरत की कामयाबी भी देंगे। और दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी नाकामी देंगे, आखिरत में भी नाकामी देंगे। एक कबीला था बनू कुज़ा, उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को 300 सहाबा की जमात भेज के रवाना किया कि जाओ तुम बनू कुज़ा के साथ जाके जिहाद करो। अब ये 300 की जमात जा रही है, बनू कुज़ा की जमात ज्यादा है, इन्होंने एक कासिद भेजा कि हमारी मदद के लिए और लोग भेजो। तो हजूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्राह की रहनुमाई में 200 सहाबा की जमात और भेजी। अब ये वहां, जब ये वहां पहुंच गए, नमाज का वक्त हो गया, अबू उबैदा कहने लगे मैं नमाज पढ़ाता हूं। हजरत अमर बिन आस फरमाने लगे मैं नमाज पढ़ाता हूं। ये कहने लगे मैं अमीर हूं। उन्होंने कहा तुम तो मेरे मुआविन हो, अमीर मैं हूं, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। जब अबू उबैदा के लश्कर को हुजूर ने रवाना कर किया तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू उबैदा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये अमीन अल उम्मत। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह। अबू उबैदा बिन जर्राह को हुजूर ने नसीहत की कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं इख्तलाफ में न पड़ना, अगर या अमीर के साथ इख्तलाफ हो जाए इख्तलाफ में न पड़ना। अबू उबैदा ने कहा ठीक है आप नमाज पढ़ाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लूंगा। अमर बिन आस ने नमाज पढ़ाई, अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ जो लोग थे इन्होंने उनके पीछे नमाज पढ़ ली। सहाबा ने हमला किया, वो मुखालिफिन भाग गए। कुछ सहाबा कहने लगे हम इनका पीछा करते हैं। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरी इजाजत नहीं है, पीछे ताक को मत करो। एक वाकया ये पेश आया। दूसरा वाकया ये पेश आया कि सर्दी का जमाना था, अमीर लश्कर ने कहा कि आग नहीं जलानी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये दोनों सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के मामूर, ये गए अमीर साहब के पास अमर बिन आस कि अमीर साहब आग जलाने की इजाजत दे दीजिए। अमर बिन आस ने कहा अगर किसी ने आग जलाई तो मैं उसको उसी आग के अंदर डाल दूंगा, आग जलाने की इजाजत नहीं। दो बातें। और तीसरी बात ये हुई, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को एहतलाम हो गया और हुस्न किए बगैर तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी। जब ये लश्कर वापिस आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी कारगुजारी सुनाई। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमर बिन आस से पूछा कि ये तीन बातें हुई इसका क्या जवाब है। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा पहली बात कि मैंने दुश्मन के ताकुब के लिए जमात पीछे नहीं भेजी, इसलिए
कि मुझे ये खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे दुश्मन के मजीद लोग ठहरे हों और वो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए तआक्कुब से मना कर दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक किया। और आग जलाने की इजाजत क्यों नहीं दी? तो अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आग जलाने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि दुश्मन को हमारी तादाद की किल्लत का पता ना लग जाए। कि अगर हम आग जलाएंगे तो दुश्मन को यह पता लग जाएगा कि हमारी हम तादाद में थोड़े, इसलिए मैंने आग जलाने से मना कर दिया। तो फिर आपने पूछा कि वो तीसरी बात, कि तुम्हें एहतराम हो गया और तुमने हुस्न नहीं किया और तयम्मुम करके नमाज पढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये डर पैदा हो गया कि अगर मैं गुस्ल करता हूँ, पानी बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं बीमार हो जाऊंगा और लश्कर की इमारत संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तयम्मुम करके नमाज पढ़े। हुजूर ने फरमाया तुमने ठीक किया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सारा मंजर देखा तो फिर उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं अमीर बन गया और बड़े बड़े सहाबा मेरे मामूर हैं, अबू बकर सदीक मेरे मामूर, फारूक आजम मेरे मामूर, अबू उबैदा बिन जर्राह मेरे मामूर, और मैं इन सबका अमीर हूं। तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? उनका यह ख्याल था क्योंकि मैं अमीर हूं और इतने बड़े बड़े सहाबा मेरे मामूर हैं, तो हजूर मेरे बारे में फरमाएंगे कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अमर बिन आस से है। जब उन्होंने ये सवाल किया कि हजूर आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, हजूर ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से है। फिर उन्होंने सवाल किया, मर्दों में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? ये तो औरतों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा से, मर्दों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे है? हजूर ने फरमाया अबू हा, आयशा के वालिद से। मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक से है। फिर हजरत अमर बिन आस ने पूछा, हजूर हजरत अबू बकर के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हजूर ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत उमर फारूक से। फिर वो पूछते रहे, हजूर जवाब देते रहे, वो पूछते रहे, हजूर जवाब देते रहे। फिर अमर बिन आस ने हजूर से सवाल पूछना बंद कर दिया इस ख्याल से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सबसे आखिर में आ जाए। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो अमीर हो वो सबसे ज्यादा महबूब भी हो। हजरत अमर बिन आस अमीर है लेकिन हजूर को मोहब्बत सबसे ज्यादा आयशा से, हजूर को मोहब्बत सबसे ज्यादा अबू बकर से, हजूर को मोहब्बत सबसे ज्यादा हजरत उमर से। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सहाबा की जिंदगी है, सहाबा की जिंदगी से हमें तबलीग के असूल मिलते हैं। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत तबलीग के असूलों पर कोई किताब लिख दे। हजरत ने फरमाया कि मैंने तो तबलीग के असूलों पर किताब लिख दी। उन्होंने कहा कि वो कौन सी है? तो हजरत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, तो
हयात सहाबा, सहाबा की जिंदगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। जब आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, आप अलैहिस्सलाम दावत के लिए ताइफ ले गए, तशरीफ ले गए। आपका ख्याल था कि ताइफ में कबीला बनू सकीफ के लोग हैं, मैं इनसे जाके बात करता हूँ, इनको जाके दावत देता हूँ, अगर ये कबीला बनू सकीफ के लोग मेरी दावत कबूल कर ली तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि मक्का मुकर्रमा के लोगों ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया शुरू में। तो जब कबीला, जब ताइफ गए, वह कबीला बनू सकीफ का एक सरदार था, उसका नाम उमैर, उसके तीन बेटे। तो हजूर ने सोचा कि मैं इस उमैर के तीन बेटों से मिलता हूँ, कि बाकी लोगों की निस्बत ये जरा शरीफ है, अच्छे हैं, ये मेरी बात कबूल कर लेंगे और ये सरदार है। अगर इन्होंने मेरी बात को कबूल कर लिया तो पूरा कबीला बनू सकीफ मुसलमान हो जाएगा, तो मेरी मदद हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो उमैर के तीन बेटे और इनके यहाँ एक कुरैश की औरत शादी होके आई थी। तो ये कुरैश की औरत के ससुराली घराना भी था और कुरैश हजूर के रिश्तेदार, हजूर भी कुरैशी। तो आपका ये ख्याल था कि हमारी कुरैश की एक औरत भी इनके आज ब्याह शादियों के आई है और ये उमैर के तीन बेटे हैं, तो मुमकिन है ये सरदार अच्छे लोग हैं, मेरी बात मान ले। आप अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी इस्लाम, उनको तबलीग की, लेकिन आपके अंदाजे के गलत हुआ कि आपका अंदाजा था कि ये दावत को कबूल करेंगे, उन्होंने दावत को कबूल ना किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी दावत को कबूल नहीं करते तो ऐसा है कि तुम अपने बाकी कबीले के लोगों को मत कहना मेरे बारे में कि मैंने ये दावत दी, क्योंकि वो लोग बहुत शरीर हैं, वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उन तीनों ने कबीले के लोगों को बता दिया। अब कबीला बनू सकीफ के लोग हजूर अलैहिस्सलाम को पत्थर मारने लगे, तकलीफ पहुंचाने लगे। आप अलैहिस्सलाम लुहलुहान हो गए, आप अलैहिस्सलाम के पांव खून से भर गए, आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान और वो पत्थर मार रहे। उन्होंने शरीर लड़कों को पीछे रवाना कर दिया और वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम चलते चलते रास्ते में एक अंगूरों का बाग आया, उस बाग में आपने पनाह ली। ये बाग रबिया के बेटों का था, उत्बा और शैबा, वो दोनों बाग के अंदर मौजूद थे। उनका गुलाम एक नसरानी था, उसका नाम अद्दास था। वो नसरानी गुलाम अद्दास वो भी बाग में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्मी हालत में खून से लहूलुहान, पांव खून से भरे हुए, तकलीफ की शिद्दत में बाग में पनाह ली। तो इन काफिर उतबा और शैबा के दिल में भी नरमी आ गई हुजूर की हालत को देखकर। उन्होंने अपने गुलाम अद्दास से कहा, जो कि नसरानी था, कि अंगूर का एक थाल ले लो, एक बर्तन ले लो, उसमें अंगूर डाल दो और जाके पेश कर दो हजूर के सामने। वो अद्दास नसरानी अंगूर लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बर्तन में, थाल में या प्लेट में या ताश्त में जो अंगूर थे वो हजूर की खिदमत में पेश किए। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अंगूर खाने लगे। तो नसरानी अद्दास कहने लगा कि आपने क्या पढ़ा है, ये तो हमारे मजहब की किताबों में ये लिखा हुआ है और हमारे नबी ने ये हमें बताया है कि जब कोई चीज खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो।
हजूर ने पूछा, तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो? वो कहने लगा, मैं अद्दास हूं, मैं नसरानी हूं, मैं नैनवा का रहने वाला हूं। हजूर ने पूछा, अच्छा तुम तो मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता के इलाके के रहने वाले हो। वो अद्दास कहने लगा, आप यूनुस बिन मत्ता को जानते हैं? हजूर ने फरमाया, हाँ मैं यूनुस बिन मत्ता को जानता हूँ, वो नबी थे, वो मेरे भाई हैं। वो अद्दास कहने लगा, तो फिर तो आपको उनकी बातें मालूम होंगी। हजूर ने फरमाया, हाँ वो यूनुस बिन मत्ता तो ये कहते थे, ये कहते थे, ये कहते थे। जब उस नसरानी अद्दास ने यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से सुनी तो आप अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और आप अलैहिस्सलाम को बोसा देने लग गया। उतबा और शैबा ये मंजर देख रहे हैं और वो हैरान हो गए कि हमारा गुलाम और इनके कदमों में गिर गया। तो ऐसी हालत में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास को इस्लाम की दावत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत को अपना मकसद हयात बनाया हुआ था, ताइफ तशरीफ ले गए दावत के लिए और अद्दास को दावत दे रहे हैं ऐसी हालत में कि आप लहूलुहान हैं, आप तकलीफ की शिद्दत में हैं, आप परेशानी की हालत में हैं। तो सुहैल बिन अमर दोसी कबीला दोस के रहने वाले हैं और कबीला दोस ये यमन के इलाके में है। सुहैल बिन अमर दोसी ये मदीना आए और लोगों ने कहा कि देखो ये इनके करीब तुम मत जाना, मक्का आए, मक्का या मदीना या मदीना, तो तुम ये हजूर के करीब मत जाना, अगर तुम इनकी बातें सुनोगे तो इनकी बातें सुनकर तुम अपना दीन छोड़ दो। सुहैल बिन अमर दोसी ने अपने कानों में रुई डाल ली और रुई इसलिए डाली ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मैं ना सुन सकूं। अब एक दिन ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की नमाज, सुहैल बिन अमर दोसी वहां से गुजरे, उन्होंने जब देखा कि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसने कहा, मैं समझदार आदमी हूं, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, मैं सुनता हूं ये क्या दावत देते हैं, ये क्या बात करते हैं, अगर इनकी बात मुझे अच्छी लगेगी तो मैं कबूल कर लूंगा और अगर इनकी दावत मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं बच्चा थोड़ी हूं, मैं तो समझदार आदमी हूं। उसने अपने कानों से रुई निकाली, जब उसने अपने कानों से रुई निकाली तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उसके कानों में पड़ी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उसके कानों में पड़ी तो उसका दिल असर ले गया और मुतासर हो गया और तुफैल बिन अमर दोसी मुसलमान हो गया। जब तुफैल बिन अमर दोसी मुसलमान हुआ तो उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब तुम मुसलमान हो गए हो, तुम अपने कबीला दोस्त में यमन में वापस जाओ और यहाँ जाके तुम इस्लाम की दावत दो। तो तुफैल बिन अमर दोसी ने अपने कबीला दोस्त में गए यमन में और अपने कबीले में इस्लाम की दावत दी। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत तुफैल बिन अमर दोसी की दावत से मुसलमान हुए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कबीला दोस्त से है और हजरत तुफैल बिन अमर दोसी की दावत से मुसलमान हुए। इब्तदा में हजरत तुफैल बिन अमर दोसी की दावत से कुछ लोग मुसलमान हुए, बाद में 70-80 आदमी कबीला दोस्त के मुसलमान हो गए। और पहला किस्सा जो मैंने आपको सुनाया कि कबीला बनू सकीफ जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पत्थर मारे और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफें दी, आप अलैहिस्सलाम लहूलुहान हो गए तो फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम के पास आए
और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप हमें कहते हैं तो आप हमें हुक्म दें हम इस कबीला बनू सकीफ को तबाह बर्बाद कर दें, हम इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दें, ये सारा कबीला इसमें खत्म हो जाए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों मेरे अजीजों, तबलीग का काम करने वाले के अंदर, तबलीग के काम करने वाले के अंदर, तबलीग के काम करने वाले के अंदर इंतकामी जज्बा नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम करने वाले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम करने वाले, बावजूद देखे कि उन्होंने बहुत सताया, उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने तकलीफें दी, उन्होंने लुहान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तुझी से शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी की, अगर तू मेरे से राजी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। और जब फरिश्तों ने कहा कि आप हुक्म करें इनके बारे में बददुआ दें, कबीला बनू सकीफ को खत्म कर दें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनू सकीफ टाइप वालों को बददुआ नहीं दी, बल्कि हजूर ने दुआ मांगी ऐ अल्लाह कबीला बनू सकीफ वालों को हिदायत दे दे, अगर कबीला बनू सकीफ के मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो इनके औलादों में हिदायत दे दे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन कासिम ये सकाफी था, मोहम्मद बिन कासिम ये कबीला बनू सकीफ में से था, मोहम्मद बिन कासिम कबीला बनू सकीफ की औलाद में से था, मोहम्मद बिन कासिम जिसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दीन का पैगाम पहुंचाया, जिसकी दावत से पाकिस्तान के लोग मुसलमान हुए, मोहम्मद बिन कासिम की दावत से हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हुए, ये मोहम्मद बिन कासिम ये सकफी था, ये कबीला सकीफ में से था, कबीला बनू सकीफ की औलाद में से था। अगर हजूर कबीला बनू सकीफ वालों के लिए बददुआ करते थे तो मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कि जिसकी दावत से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सारे लोग मुसलमान हुए, हम लोग कितने मुसलमान हुए पाकिस्तान में और हम लोग कितने मुसलमान हुए हिंदुस्तान में, हम सब के सब मोहम्मद बिन कासिम की मेहनत, मोहम्मद बिन कासिम की मेहनत के जरिए से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान जितने दीन पर अमल करेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जितने मुसलमान जितना दीन पर अमल करेंगे, जितनी नमाजें पढ़ेंगे, जितना रोजा रखेंगे, जितना हज करेंगे, जितनी दावत देंगे और निजामुद्दीन से तबलीग का काम शुरू हुआ, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह ने दावत की मेहनत शुरू की हिंदुस्तान से, अब इस वक्त तबलीग की मेहनत पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले, करोड़ों लोग तौबा करने वाले, करोड़ों लोग की जिंदगी बदल गई, करोड़ों लोग बेनमाजी नमाजी बन गए, करोड़ों लोग तौबा करने वाले बन गए, करोड़ों लोग तहज्जुद पढ़ने वाले बन गए, करोड़ों लोग नमाजी बन गए, करोड़ों लोग आलिम हाफिज कारी बन गए। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, उसके नामे अमाल में करोड़ों हज होंगे, करोड़ों ज़कातें होंगी और करोड़ों नमाजें होंगी और बुखारी शरीफ पढ़ाने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा हुआ होगा। वो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तो बैतुल्लाह देखा ही नहीं, मैंने तो बुखारी शरीफ देखी ही नहीं और मेरे नामे अमाल में हज करने का सवाब लिखा हुआ है करोड़ों, और मैंने तो सारी जिंदगी में बुखारी शरीफ देखी ही नहीं और मेरे नामे अमाल में बुखारी शरीफ पढ़ाने का सवाब लिखा हुआ है। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुमने दावत का काम किया,
तुमने तबलीग की मेहनत की, तुमने एक शख्स को दावत दी, तुम्हारी दावत से उस आदमी ने अपनी जिंदगी को तब्दील किया। और उसका एक बेटा था, उसने अपने बेटे को हाफिज बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया। उसका बेटा आलिम बना और फिर उसका बेटा उस्ताद बना और पढ़ाने लगा। वो पढ़ाते पढ़ाते शेखुल हदीस बन गया। तुम उसके वालिद की जिंदगी के बदलने का जरिया बने थे, तो क्योंकि तुम इस बच्चे के आलिम बनने का जरिया बने, इस बच्चे के हाफिज बनने का जरिया बने, इस बच्चे के शेखुल हदीस बनने का जरिया बने, इसलिए तुम्हारे नाम आमाल में बुखारी शरीफ पढ़ाने का सवाल लिखा हुआ है। फिर आगे इस बच्चे ने सैकड़ों लोगों को आलिम बनाया, कारी बनाया, और सैकड़ों इसकी मेहनत से दावत से शेखुल हदीस बने, क्योंकि ये सारे के सारे तुम्हारी मेहनत से शेखुल हदीस बने थे, इसलिए बुखारी शरीफ पढ़ाने का सवाब तुम्हें मिलेगा। तुमने फला आदमी को दावत दी, तुम्हारी दावत से फला आदमी उसने हज किया। फिर उसने फला फला को दावत दी, तुम्हारी दावत से इतने लोगों ने हज किया। तो क्योंकि तुम्हारी दावत से लोगों ने हज किया, फिर उनकी दावत से आगे लोगों ने हज किया, फिर उनकी दावत से आगे लोगों ने हज किया, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहा। तो तुम क्योंकि जरिया बने थे लोगों के हज करने का, अद्दाद वाल खैरी कफाइली ही, नेकी की तरफ रहनमाई करने वाला ऐसा है जैसे खुद नेकी करने वाला, इसलिए तुम्हारे नाम आमाल में करोड़ों हज लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जितने तबलीग का काम हो रहा है, जितने आलिम बन गए, जितने मदरसे बन गए, जितने मस्जिदें बन गई, जितने नमाजी हैं, जितने हाफिज हैं, इन सब का सवाब मोहम्मद बिन कासिम को मिल रहा है। और मोहम्मद बिन कासिम हजूर की दुआ है, हजूर की मुराद है। हजूर ने दुआ मांगी कि इनकी औलादों में से मुसलमान हो जाएं, तो हम पाकिस्तान हिंदुस्तान वाले हजूर की दुआ की बरकत से मुसलमान हुए। हजूर की दुआ की बरकत से मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान हुआ। हजूर की दुआ की बरकत से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पाकिस्तान आया, और हजूर की दुआ की बरकत से हम मुसलमान हुए। आज कितने करोड़ों मुसलमान हैं। तो ये दावत की मेहनत है, ये तबलीग की मेहनत है। जब हम दावत की मेहनत करेंगे, लाखों लोग नमाजी बनेंगे, लाखों लोग रोजा रखने वाले बनेंगे, लाखों लोग हज करने वाले बनेंगे, लाखों लोग अल्लाह को राजी करने वाले बनेंगे, लाखों करोड़ों लोग तौबा करने वाले बनेंगे, लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी तब्दील करने वाले बनेंगे। ये दावत की मेहनत, ये नबियों वाली मेहनत है। ये पहले मेहनत नबी करते थे। हर नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की मेहनत की, दावत की मेहनत की। 40 साल की उम्र में हर नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और 950 साल आपने मेहनत की, और तूफान नूह के बाद 60 साल आप जिंदा रहे, तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल। उसमें से 950 साल आपने दावत दी, रात को भी दावत दी, दिन को भी दावत दी, और इतनी दावत दी, हर नूह अलैहिस्सलाम की दावत से 80 आदमी मुसलमान हुए। उसमें से 40 मर्द हैं, 40 औरतें हैं। आप अंदाजा लगाएं, हमें तबलीग के असूल मिलते हैं पुराने पाक से, हमें तबलीग के असूल मिलते हैं सहाबा की जिंदगी से, हमें कितना बड़ा तबलीग का असूल हर नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिला कि दावत देने वाला कभी मायूस नहीं होता, दावत देने वाला कभी ना उम्मीद नहीं होता। हर नूह अलैहिस्सलाम दावत देने से मायूस नहीं हुए, हर नूह अलैहिस्सलाम दावत देने से ना उम्मीद नहीं हुए। 950 साल की मेहनत और आउटपुट कितना है? 80। यानी 100 साल की मेहनत में
दस, फिर सौ साल की मेहनत में दस, दस से भी कम, फिर सौ साल की मेहनत में दस, फिर सौ साल की मेहनत में दस। आप अंदाजा लगाएं, एक आदमी सौ साल दावत दे, सौ साल कष्ट कर रहा है, सौ साल मेहनत कर रहा है, सौ साल दिन में भी कर रहा है, रात को भी कर रहा है, आहिस्ता आवाज में भी दावत दे रहा है और ऊंची आवाज में भी दावत दे रहा है। एक सौ साल दावत देने के बाद जो नतीजा निकल रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है, वो दस आदमी। तो 950 साल की मेहनत से 80 आदमी मुसलमान हुए, उसमें भी 40 बार तो 40 औरतें। अल्लाह ताला ने इन 80 को बचाया जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात को माना और जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात का इनकार किया, वो सब गर्क हो गए, तबाह हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो दावत के काम को करेंगे और जो दावत देंगे, दावत का काम करने वाले, ये कश्तिये नूह की मिसाल है। नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान हुए, अल्लाह ने उनको कश्ती में बचाया, इसके अलावा सारे लोग तबाह हो गए, पानी में गर्क हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को दावत दी, जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात को माना, अल्लाह ने उनको बचाया, जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात का इनकार किया, तो कौम आद पर अल्लाह ने अजाब भेजा, ऐसी हवा चली जो बहुत ज्यादा ठंडी थी और बहुत ज्यादा सख्त थी और बहुत ज्यादा तेज थी। रीहिन सरसरी, सख्त ठंडी हवा, 7 दिन 8 रातें, बुध के दिन सुबह को हवा चली और अगले बुध के दिन शाम तक हवा चलती रही। कान्नहुम आजाद नखल, वो ऐसे गिरे हुए पड़े थे कौमे आद, जिनके लंबे लंबे कद, ताकतवर, खजूर की शाखों के अपने हाथ से उखेड़ के फेंक देते थे, ऐसे ताकतवर को, लेकिन नबी की बात को नहीं माना, नबी की बात का इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने कैसा अजाब भेजा हवा का। वो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के दरख्त को काट दो और उसका तना जमीन पर गिरा पड़ा होता है, ऐसे वो लंबे लंबे कद वाले जमीन पर गिरे हुए थे। ये अजाब उनके ऊपर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने नबी की बात को नहीं मानी। कौम समूद ने अपने नबी की बात को नहीं माना। जब कौम समूद ने नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और उस फरिश्ते ने एक चीख मारी और उस चीख की चिंघार इतनी ज्यादा थी, उसकी कड़क इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा थी कि सबके सबके कलेजे फट गए। जो ईमान लाने वाले थे वो बच गए और जो ईमान लाने वाले नहीं थे वो खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौमे सब्त का किस्सा जिक्र किया, हफ्ते वाले। अल्लाह ताला ने मना किया हफ्ते के दिन मछली को शिकार नहीं करना। उन लोगों की 3 जमातें बन गई। एक जमात, उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है तो अल्लाह ताला भी इम्तिहान लिया। वो लोग मछली के शौकीन थे, दरिया के किनारे वो लोग रहते थे और ज्यादातर खाने में मछली इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ताला ने मना किया कि आपने हफ्ते के दिन मछली शिकार नहीं करनी। उन्होंने दरिया के साथ बड़े बड़े तालाब बना लिए और दरिया में सुराख बना लिए और हफ्ते के दिन सुराखों को खोल लेते और अपने तालाबों को भर लेते
और इतवार के दिन मछली शिकार करके खा लेते, और वो ये कहने लगे कि हमें तो हफ्ते के दिन मछली शिकार करना मना है, हम हफ्ते के दिन तो मछली शिकार नहीं कर रहे, इतवार को शिकार कर रहे हैं। वो अपनी अकल पे चले, अपनी समझदारी दिखा रहे थे। और दूसरा गिरोह वो जो खामोश रहे, इनको इस काम से रोका नहीं। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग मसलियत पसंद होते हैं, वो कहते हैं जी हमें क्या, हमारी बला से जो भी करे हम तो खामोश रहेंगे। तो वो दूसरा गिरोह मसलियत का शिकार रहा। और तीसरी किस्म के लोगों ने उनको रोका कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, जब नबी मना कर रहा है हफ्ते के दिन मछली शिकार करने से, तो तुम मछली शिकार मत करो और ये चलाकी ये मत करो। लेकिन उन्होंने बात ना मानी। तो जब उन्होंने ना मानी, वो जो दूसरा गिरोह था जो खामोश रहे, तो इन पहले गिरोह वाले लोगों ने देखा वो दोनों गिरोह, वो दोनों जमाते जो खामोश रहे वो भी, और जिन्होंने चलाकी की वो भी, कूलू किरादतन खासीन, वो जलील बंदर हो गए। और वो 3 दिन तक बंदर रहे, एक दूसरे को पहचानते थे, एक दूसरे को देखते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, ये क्या हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने नबी की बात को नहीं माना। जब नबी की बात को नहीं माना तो वो जलील बंदर हो गए और 3 दिन तक बंदर रहे, और 3 दिन के बाद हलाक हो गए। तो जो नबी की बात को नहीं मानेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी नाकाम करेंगे, आखिरत में भी नाकाम करेंगे। ये किस्से कुरान पाक में बहुत ज्यादा जगह आए हैं, और कुरान पाक में जो मजमून है वो 100% सच है, 100% हक है। हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान के ये वाकियात अपनी दावत में इस्तेमाल करें, हम अपनी दावत में कुरान के किस्से बयान करें, हम अपनी दावत में सहाबा के किस्से बयान करें। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह ताला की गैबी मददें और नुसरतें जो सहाबा के साथ आई, आप अपनी दावत में उन गैबी मददों नुसरतों को बयान किया करो। सहाबा के साथ जो अल्लाह की गैबी और मददें नुसरतें आई, अपनी दावत में उनको बयान करो। जो अंबिया के दावत अल्लाह ने कुरान में बयान की, और अल्लाह ने जाहिर के खिलाफ अपने नबी की मदद की, अपनी दावत में ये वाकयात बयान करो। जब हम अपनी दावत में कुरान के किस्से बयान करेंगे, जब हम अपनी दावत में पिछले अंबिया साबिकीन के वाकयात बयान करेंगे, जब हम अपनी दावत में सहाबा के किस्से बयान करेंगे, तो मेरे मोहतरम दोस्तों हमारी दावत जानदार शानदार होगी और मजबूत होगी, और हमारी दावत पूरा असर होगी। हम अपनी दावत में मामूली बातें कम से कम बयान करें, हम अपनी दावत में कुरान के वाकयात बयान करें, हम अपनी दावत में अंबिया के वाकयात बयान करें, हम अपनी दावत में सहाबा के किस्से बयान करें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैली दी, उस थैली में खजूरें थी, मैं हुजूर के जमाने में उस थैली में से खजूरें खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का सारा जमाना मैं उस थैली में से खजूरें खाता रहा और साथियों को खिलाता रहा। फिर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, मैं उस थैली में से खजूरें खाता रहा और सहाबा को खिलाता रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, मैं उस थैली में से खजूरें खाता रहा और सहाबा को खिलाता रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई,
तो लोगों को एक दुख था, जैन दुश्मान शहीद हो गए, लेकिन अबू हुरैरा को दो दुख थे। एक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का, और दूसरा उस थैली के गुम होने का। मैं कई साल तक उस छोटी सी थैली में से खजूरें खाता रहा और खिलाता रहा, कई मन खजूरें मैंने खाई और खिलाई एक छोटी सी थैली। जब हम ईमान और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, ईमान और आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोलेगा, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोलेगा, अल्लाह थोड़े में हमारा ज्यादा काम बना देगा। हर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, गज़वे खंदक के मौके पर सहाबा के ऊपर भूख थी, सहाबा ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। मैं हजूर के पास आया, मेरे घर में एक बकरी की छोटी सी मेमनी थी, मेमना छोटी बकरी। मेरे पास एक छोटी सी मेमनी या मेमना था, बकरी का एक छोटा बच्चा और चंद सा जौ थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं इस बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूं और इसका गोश्त पकाओ और ये थोड़ी सी जो चंद सा जौ है इसका आटा गूंदो, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत दे के आता हूं। हर जाबिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपने घर में आपकी दावत पकाई है, आप अपने साथ 10-12 आदमी और ले आए और खाना मेरे घर तनावल फरमाए। हजूर ने फरमाया, तुमने क्या पकाया है? अरे जाबिर ने कहा, एक मेमना, बकरी का छोटा बच्चा और चंद सा जौ। हजूर ने फरमाया, अच्छा तुम जाके कह दो घर, जब तक मैं ना आऊं हंडिया ना उतारना। और उन्होंने जाके कह दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में कहा, ऐ अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारी रोटी पकाई है, जाबिर के घर तुम्हारी दावत है, आओ चले जाबिर के घर खाना खाते। 1400 सहाबा हजूर के साथ चले। अरे जाबिर परेशान हो गए, मैंने तो 8-10 आदमियों की रोटी पकाई, एक छोटा सा मेहमाना और चंद सा जौ, ये तो 1400 सहाबा आ रहे हैं, परेशान हो गए। अपनी बीवी को आके कहा, ये माजरा हो गया। उन्हें कहा, अच्छा तुमने हजूर को बता दिया था कि हमने इतना खाना बनाया है? उन्हें कहा, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि मैंने इतना गोश्त बनाया, इतना मैंने जौ की रोटी। तो बीवी ने कहा, फिर हजूर ने क्या फरमाया? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक मैं ना आऊं हंडिया ना उतारना। उन्हें कहा, फिर तुम डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सहाबा की जमातें बना बना कर बिठा दी, सहाबा को खाना खिलाते रहे हंडिया में से और खाना रोटी खिलाते रहे, सहाबा खाना खा के जाते रहे, सारे सहाबा ने सैर होके खाना खा लिया। हर जाबिर कहते हैं कि जब सबने खाना खा लिया तो मैंने हंडिया को देखा, तो मैंने जब गौर किया तो मुझे ये समझ आई कि पता नहीं ये सहाबा के खाना खाने से पहले इस हंडिया में सालन ज्यादा था या अब ज्यादा है। जब हम ईमान और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, ईमान और आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को आसान फरमाएंगे। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
रोजी के यकीनी असबाब हजूर ने बताए हैं। हजूर ने फरमाया नमाज रोजी का यकीनी सबब है। हजूर ने फरमाया सदका रोजी का यकीनी सबब है। हजूर ने फरमाया सिला रहमी रोजी का यकीनी सबब है। हजूर ने फरमाया इस्तिग़फ़ार रोजी का यकीनी सबब है। जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे माल में इजाफा करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें बेटे देंगे। जो लोग शादीशुदा हैं और उनके नरीना औलाद नहीं है वो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह माल भी देंगे और नरीना औलाद भी देंगे। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला बारिशें बरसाएंगे। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला बागात देंगे। इस्तिग़फ़ार रोजी का यकीनी सबब, सिला रहमी रोजी का यकीनी सबब, सदका रोजी का यकीनी सबब, सूरह वाकिया रोजी का यकीनी सबब। हजूर ने फरमाया जिस घर में रोजाना मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ी जाती है इस घर में कभी फाका नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक गरीब सहाबी बकरियां चराते थे, दुबले पतले छोटे कद के, छोटी उम्र में मुसलमान हो गए। गरीब सहाबी हैं, दुबले पतले हैं, इनकी टांगे दुबली पतली, गरीब सहाबी मुसलमान हो गए और हजूर की खिदमत में पड़े रहते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजूर अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा इल्म सीखा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने खिलाफत में मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हो गए, बीमार हो गए और मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हो गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तीमारदारी के लिए आए और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा मा तश्तकी, आपको क्या शिकायत है? उन्हें क्या मुझे जनूबी, मुझे अपने गुनाहों की शिकायत। हजरत उस्मान ने फरमाया मा तश्तही, तुम्हें किस चीज की इश्तिहा है? उन्हें कहा रहमतु रब्बी, मुझे अपने रब की रहमत की जरूरत है। हजरत उस्मान ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए बैतुल माल से कोई वजीफा मुकर्रर कर देता हूं जो तुम्हारे काम आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे इसकी हाजत नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आपको इसकी हाजत नहीं लेकिन आप मर्ज़ुल वफ़ात में हैं, आपकी बेटियां हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का बेटा कोई नहीं था, बेटियां थी, सात बेटियां। आपके बाद ये वजीफा आपकी बेटियों के काम आ जाएगा। मैं आपके लिए वजीफा मुकर्रर कर देता हूं बैतुल माल से। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे तो इसकी हाजत नहीं। और जब हजरत उस्मान ने कहा कि आपको इसकी हाजत नहीं है तो आपकी बेटियों के काम आएगा आपके बाद, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा मैंने तो अपनी बेटियों को सूरह वाकिया याद करा रखी है और मैंने जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जिस घर में शाम को सूरह वाकिया पढ़ी जाती है उस घर में कभी फाका नहीं आता। मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाकिया याद करा रखी है, ये हो नहीं सकता मेरी बेटियां सूरह वाकिया तिलावत करें और मेरे घर में फाका आ जाए।
इसलिए मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं और ना मेरी बेटियों को जरूरत, क्योंकि उन्होंने सूरह वाकया याद कर रखी है और वो रोजाना सूरह वाकया पढ़ती है और सूरह वाकया पढ़ने से घर में फाका नहीं आता। ये रोजी का यकीनी सबक, सिला रहमी रोजी का यकीनी सबक। जब हम ईमान और आमाल वाली जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोलेगा, हमें ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से हमारा वहम गुमान नहीं। जब तुम तवक्कुल इख्तियार करोगे, तवक्कुल इख्तियार करना रोजी का यकीनी सबक, जब तवक्कुल इख्तियार करोगे अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से तुम्हें वहम गुमान नहीं। अल्लाह ताला ऐसा पालेंगे, जब तुम तवक्कुल इख्तियार करो ऐसा जैसा तवक्कुल इख्तियार करने का हक है, अल्लाह ऐसा पालेंगे जैसे अल्लाह परिंदों को पालते हैं। रूह बिताना, ये सुबह निकलते हैं परिंदे खाली पेट होते हैं और शाम को वापिस आते हैं इनके पेट भरे हुए होते हैं। आपने कभी सुना के परिंदे का फैक्ट्री है, परिंदे का पेट्रोल पंप है, परिंदे की कपड़े की दुकान है, परिंदा प्रॉपर्टी डीलर है, परिंदे ने जूती की दुकान खोल ली, कब्बे ने पेट्रोल पंप खोल लिया, हाथी ने कपड़े की दुकान खोल ली। जब तुम तवक्कुल इख्तियार करोगे जैसे तवक्कुल इख्तियार करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसा पालेंगे जैसे परिंदों को पालते हैं। जब सुबह निकलते खाली पेट, परिंदे हवा में उड़ रहा है, उसका कोई कारखाना नहीं, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं, उसकी कोई दुकान नहीं, उसका कोई बाग नहीं, उसकी कोई जमीनें नहीं, लेकिन शाम को वापस आता है सारे परिंदों के पेट भरे हुए। एक परिंदा ऐसा है, जब पैदा होता है उड़ता है, जब मरता है गिरता है, सारी जिंदगी हवा में उड़ता है, अल्लाह ताला सारी जिंदगी उसके खुराक के इंतजाम हवा में करते हैं। जब तुम तवक्कुल इख्तियार करोगे कि जैसे तवक्कुल इख्तियार करने का हक है, अल्लाह तुम्हें परिंदों जैसा पालेंगे। ये रोजी का यकीनी सबक तवक्कुल, तकवा रोजी का यकीनी सबक। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह गैब से खजाने देता है, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देंगे उसको वहम गुमान नहीं होगा। तो एक जिंदगी वो है जो हमने सोच रखी है कि हमें कामयाबी मिलेगी माल से, चीजों से, ओहदे से, डिग्री से, और एक जिंदगी वो है जो हमें नबी ने बताई कि जिंदगी माल चीजों से नहीं बनती, जिंदगी ईमान और आमाल और तकवे से बनती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरबियत की सहाबा की। सहाबा ने अल्लाह से अपना लेना सीखा और जब अल्लाह से लेने वाले बने तो मखलूक को देने वाले बने। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। सहाबा अपनी जरूरियात अल्लाह से लेने वाले थे और मखलूक को देने वाले थे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से लेंगे मखलूक को देंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने ईमान और तकवे वाली जिंदगी गुजारनी है, ईमान और आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करनी है। ये जिंदगी हमारे अंदर दावत की मेहनत से आई, क्योंकि सहाबा के अंदर ये दावत की मेहनत से आई। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर दावत की मेहनत की और सहाबा ने दावत दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमातें बना बनाकर भेजी। हर मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा और यमन में तबलीग के लिए भेजा। हर अबू उबैदा बिन जर्राह को समंदर के किनारे भेजा। हर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को समंदर के किनारे भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमातें बना बनाकर भेजी, मक्का में भेजी, मदीना में भेजी, यमन में भेजी। और यमन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी कष्ट भेजा,
एक जमात भेजी, रसूल पाक अलैहि सलाम ने उनको फरमाया तुमने फलां दो आदमियों से मुलाकात कर दी, तो ये खसूसी गश्त भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमूमी गश्त भेजा। मदीना मुनव्वरा में हजरत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हजरत साद बिन मुआज़ वो है जिनके जनाजे पे कितने फरिश्ते आए, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे हैं। किसी ने पूछा कि आप पंजों के बल चल रहे हैं, उन्हें कहा साद बिन मुआज़ के जनाजे पे इतनी ज्यादा तादाद फरिश्तों की आई कि मैं पंजों के बल चल रहा। तो ये साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु और असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ये मदीना मुनव्वरा में अमूमी गश्त करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा में 60 से 70 लोग अंसार के मुसलमान हो चुके थे हिजरत से पहले। ये जो 60 से 70 लोग हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हुए, ये साद बिन मुआज और असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के अमूमी गश्त की बरकत से मुसलमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा के अमूमी गश्त से और सहाबा के खसूसी गश्त से, सहाबा की इनफरादी दावत से, सहाबा की इज्तिमाई दावत से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी दावत से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाई दावत से लोग जोक दर जोक मुसलमान हुए। यहाँ तक कि हजरत अलविदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 लाख का मजमुआ तैयार हुआ और आपने फरमाया क्या मैंने तुम तक दीन का पैगाम पहुँचा दिया? सब ने कहा आपने पहुँचाया ही नहीं, पहुँचाने का हक अदा कर दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर आप गायबीन तक दीन तुम पहुँचाओ, तो फिर सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 बेटे, 10 के 10 बेटों की 10 मुख्तलिफ मुल्कों में कब्रें बनी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर के चचा थे, उनके 10 बेटे, 10 मुख्तलिफ कब्रों में उनके बेटे, 10 मुख्तलिफ मुल्कों में उनके बेटों की कब्रें बनी। वो दीन की मेहनत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में चले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो 90 साल से ज्यादा उम्र है और वो हजूर अलैहिस्सलाम की दावत को लेकर अल्लाह के रास्ते में चले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दावत की मेहनत अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से। ये हम दावत की मेहनत, ये जो तबलीग का काम है, ये अल्लाह का हुक्म है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिम्मे लगाए। इस मेहनत के सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, अपने जान माल वक्त की कुर्बानी दी। सहाबा ने अपने जान माल वक्त की कुर्बानी दी और अल्लाह के रास्ते में निकले। हम लोग भी अल्लाह के रास्ते में देर और दूर के लिए अपने आप को पेश करें। जब हम दावत की मेहनत के लिए निकलेंगे, एक तो ये होगा कि हमारे ईमान और आमाल मजबूत होंगे और दूसरा मेरे मोहतरम दोस्तों, रसूल पाक अलैहि सलाम की खत्म नबूवत की वजह से ये मेहनत जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई है, ये जिम्मेदारी अदा होगी। तो इसके लिए फरमाए भाई, इस मेहनत को सीखने के लिए देर और दूर के लिए कौन कौन तैयार है? ये पूरी दुनिया प्यासी है। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के लिए अफ्रीका के जंगलों में जाने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के रियासतों में जाने के लिए तैयार हैं। फरमाए भाई, बर्फानी इलाकों में जाने के लिए तैयार है और रेत के टीलों पर जाने के लिए तैयार है। बैरून की जमातों के लिए फरमाए और अंदरून की जमातों के लिए फरमाए। ये पूरी दुनिया में नकल हरकत हो रही है, फरमाए भी अपने ईमान मजबूत होगा, आमाद जानदार शानदार होंगे और ये मेहनत जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाई है, ये जिम्मेदारी अदा हो। फरमाए जी।